वीडियो बन रहा था लाल हुआ ना। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10 के गणित से है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं ताकि जो सॉल्यूशन है वो बेहतर से समझ में आए। जैसे क्वेश्चन है कि 10 सेमी यानी 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक नंबर में आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड और 2 नंबर में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर? अब यहां आपको इस क्वेश्चन को हल करने के दौरान कुछ बातों को समझना है, जैसे कि यह लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा जो है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ चीज है आइए उसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि जो वृत्त की जीवा है वो केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो किसी भी वृत्त में इस तरह का वृत्त खींच लेंगे, इसके बीच वाले बिंदु को केंद्र बोलते हैं और इसको हम लोग ओ से दर्शा लेंगे, यानी केंद्र का नाम ओ रख दिए। अब वृत्त के कोई दो बिंदु को मान के चलिए, एक बिंदु ए यहां है, दूसरा बिंदु बी यहां पर है, इन दोनों बिंदु को अगर इस तरह से हम मिला लेंगे तो ये जो रेखा बना ए बी जिस पर अभी हम कलम को दोहरा रहे हैं इसी को बोलते हैं जीवा, और यही जीवा जो है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जीवा का एक छोर को केंद्र से मिला देंगे और जीवा का दूसरा छोर को हम यदि केंद्र से इस प्रकार मिला देंगे तो यहां जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतना बात हमें कहा गया है और ये भी कहा गया है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 10 cm है। तो त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से परिधि तक, ये जो चारों तरफ देख रहे हैं ये परिधि है, केंद्र से परिधि तक ये त्रिज्या होता है जिसको आर से दर्शाते हैं, आर बराबर 10 cm। इधर भी देखा जाए तो आर बराबर कितना है, 10 cm है। अब जो बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो त्रिज्या है दिया हुआ हमको वो है 10 cm और जो कोण दिया हुआ है, यहाँ जो कोण बना है कोण है 90 डिग्री। एक नंबर में हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड। तो समझिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये यहां से यहां तक ए से बी तक इस प्रकार वक्र यानी घूम के जाएंगे तो इसको बोलते हैं चाप। तो ये चाप और ये जीवा के बीच जो एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, इसी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें एक नंबर में निकालना है। तो लघु वृत्तखंड निकालने का जो सूत्र है आइए उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे और उसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ठीक है, अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे, R का मतलब त्रिज्या कितना है, 10 है, तो यहां पे R का मान 10 लिख लेंगे त्रिज्या, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे। थीटा का मतलब कोण कितना है, 90 डिग्री है, उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद देखो कितना है, 360 डिग्री। अब ये जो पाई है आप देखिएगा पुस्तक में, ये जो पाई का मान है हमको लेने के लिए बोला है 3.14 लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो पाई का मान ले लेंगे 3.14 माइनस 1/2 साइन करेंगे और थीटा का जगह में, यानी थीटा मतलब कोण होता है 90 डिग्री, यहाँ पर रख लेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे देखिए 0 0 कटेगा, 9 × 1 = 36। क्लियर, अगर आप और भी काटना चाहिएगा तो यहाँ कट जाएगा 2 × 2 = 4। क्लियर, और यहां पे देखिए 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, 2 अंक के बाद 10 है तो 2 अंक के बाद यहां 10 रख देंगे,
और सिंपल सा यहाँ क्या बचा, 1.57 बट्टा में कितना बचा 2, माइनस करेंगे 1/2 और यहाँ साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे 100 है, 100 कर लेंगे। अब देखिए 1.57 बट्टे में 2 है माइनस 1 × 1 = 1/2। देखो इसको और आगे बढ़ाएंगे, 100 है, 100 लिख लेंगे। अब यहाँ 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1.57 उतर जाएगा, उसी तरह 2 2 यहाँ कट जाएगा, बीच में माइनस है, इसका ऊपर वाला 1 उतर जाएगा। इधर यदि आगे बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा ब्रैकेट, ऊपर में घटाने पर हो जाएगा 0.57 बट्टे में 2, यदि इसको काटा जाए तो हो जाएगा 50। अब धीरे से यहाँ पे लिखना है, आपका बचा है 50, ब्रैकेट का मतलब गुना, और इधर बचा है 0.57, इसको गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए वीडियो को रोक करके हम यहाँ पे गुना कर लिए, देखिए दोनों को गुना किए तो कितना आया 28.50, तो लिख लेंगे 28.50 और लास्ट में 0 नहीं लिखा आया था तो 28.5 कर लेंगे, सीएम कर लेंगे क्योंकि त्रिज्या सीएम में है, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सीएम पर स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे चलेंगे और 2 नंबर में जो है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, उसका क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे, और सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये त्रिज्याखंड क्या होता है, एक लघु त्रिज्याखंड मतलब छोटा, एक होता है दीर्घ त्रिज्याखंड, तो दोनों होता क्या है इसको समझ लीजिएगा ना, आपको और मजा आएगा। तो इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक वृत्त बनाना पड़ेगा, वृत्त के ठीक बीच में ये केंद्र होता है, जैसा कि त्रिज्या कितना कहा गया है 10 cm, तो यहाँ इस तरह से खींच लेंगे, त्रिज्या कितना हो गया 10 cm, और ये क्या है जीवा, और जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाया है 90 डिग्री का कोण, और यहाँ केंद्र का नाम ओ दे देंगे r = 10 cm, इधर भी त्रिज्या है तो r = 10 cm लिख सकते हैं। अब देखिए ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या और ये चाप के बीच जो ये पूरा एरिया बना जिसको हम डोटेड कर रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे, ये पूरे क्षेत्र को बोलेंगे हम क्या, लघु त्रिज्याखंड, सॉरी, और ये डोटेट के अलावा ऊपर जो बचा है ये पूरा, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला एरिया बड़ा है इसलिए दीर्घ, और नीचे वाला छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। वृत्तखंड केवल ये जीवा और ये चाप के बीच होगा, लेकिन त्रिज्याखंड ये पूरा होगा, त्रिज्या से लेकर के चाप से लेकर के ये त्रिज्या के बीच ये पूरा होगा। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड को निकालने का सूत्र है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, देखिए क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में लिखें, ठीक, तो इसका सूत्र है 360° - θ/360° π r². यदि हम त्रिज्याखंड की बात करें, लघु त्रिज्याखंड की, तो इसका सूत्र होता है θ/360° π r², लेकिन जब दीर्घ को निकालेंगे तो लघु का जो थीटा है उसको 360 में घटाएंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहां देखिए आगे 360° - θ का मान कितना है, देखिए ना कौन थीटा 90° / 360° पाई का मान 10 में लेने के लिए बोला है, आर का मान कितना है, देखिए आर मतलब त्रिज्या कितना है 10 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको आगे बढ़ाइए, 360° से 90 घटेगा तो 270° हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 360° गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब इस 10 को 2 बार गुना कर देना है। अब 0 0 कटेगा, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 2 5 आएगा, 2 फिर 5 आएगा, मेरे पास क्या बचा 3 गुना, यहाँ बचा है 3.14, यहाँ बचा है सॉरी यहाँ 5 5 बचा है 5 × 5। आइए इन सभी को गुना कर लेते हैं हम लोग, आइए इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं, देखिए 5 5 6 25 + 75, यानी 75 से हम इस 10 को गुना कर लेंगे। आइए नीचे गुना करते हैं, यहाँ पे वीडियो को रोक करके हम गुना कर लिए ताकि आपका समय बचे। तो गुना करने के पश्चात क्या आया है, 235.50, अंत में 0 लिखा नहीं जाता है तो हम लिखेंगे 0 235.5, क्योंकि त्रिज्या सीएम में है तो क्षेत्रफल भी सीएम में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो स्क्वायर लग जाता है, तो यहाँ पे हो गया आंसर। आप चाहे तो इसको साइड में कहीं गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो इस प्रकार रहा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।